ओम प्रकाश राजभर जी, आप ये बता दो कि मुख्तार अंसारी कौन थे, और जो आपने बयान दिया है क्या उस पर आप कायम हैं? हमारे गठबंधन की चिंता मत करो, अपने ठगबंधन की चिंता करो। लूट के लिए, ठगी के लिए, विश्वासघात के लिए आप एक सीट के लिए आप अपने समाज को धोखा देते हो और दूसरों को राय देते हो। अपनी राय अपने पास रखिए। उत्तर प्रदेश का मतदाता बहुत प्रबुद्ध है, बहुत समझदार है, इंडिया गठबंधन के साथ है, जातीय जनगणना कराने वालों के साथ है। आप तो जातीय जनगणना के विरोधियों के साथ बैठे हो। आपका समाज आपको इस बार दौड़ा दौड़ा करके करारा प्रतिकार करेगा। इसके साथ ही असम से, असम के लोग कभी नहीं भूलेंगे कैसे जवाहरलाल नेहरू ने चीन आक्रमण के दौरान असम को अलविदा कहा था। पीएम मोदी की सरकार में चीन हमारी एक इंच जमीन कब्जा नहीं कर सका और असम अरुणाचल प्रदेश 1962 कभी नहीं भूल सकते। पूरा हिंदुस्तान ने, अखिल ब्रह्मांड जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद रखता है। अमित शाह जी, इतिहास के ज्ञान को थोड़ा सही करके आइए और पुरानी बातों को छोड़िए। आपके शासनकाल में जो लगभग 4000 किलोमीटर से ज्यादा की जमीन चीन ने कब्जा की है, आप उसको जवाब दीजिए। आज की डेट में हमारे चरवाहे हमारे पिकिंग पॉइंट्स पर नहीं, वहां पे चारागाहों में नहीं जा सकते हैं। पूरा लद्दाख उबल रहा है और आप गृह मंत्री की जगह सिर्फ प्रचार मंत्री का काम कर रहे हैं। आपको जवाब देना होगा सोनम वांगचूक के सवालों का, जिसमें उसने कहा है कि हमारे चरवाहे अपने ही क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं, चीन अतिक्रमण कर रहा है हमारी सीमा का। आप उस पर जवाब दीजिए। इधर उधर की बात करके वोट अब आपको नहीं मिलने वाले। लोग जानते हैं कि आप जुमलेबाज हैं। पीएम मोदी ने पीलीभीत में एक सार्वजनिक रैली के दौरान ये बात कही कि राम मंदिर निर्माण में कांग्रेस ने हमेशा नफरत फैलाई, राम मंदिर निर्माण जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो उसे अस्वीकार किया और जो लोग पार्टी समारोह में शामिल हुए उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। प्रधानमंत्री सुबह से शाम तक तोते की तरीके से रटे रटाए वाक्यों को बोल करके इधर उधर की बातें करते हैं, सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। कभी प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ रोजगार पर बात नहीं करते, कभी प्रधानमंत्री जी अग्निवीर जैसे समस्याओं पर बात नहीं करते जिससे हमारे करोड़ों बेरोजगार घूम रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री जी पेपर लीक की बात नहीं करते जिससे करोड़ों युवा हमारे सड़क पर हैं, छात्रों का भविष्य अधर में है, कभी प्रधानमंत्री जी पेपर लीक पर बात नहीं करते, कभी प्रधानमंत्री जी महंगाई पर बात नहीं करते हैं, कभी भी प्रधानमंत्री जी महिला के सम्मान पर बात नहीं करते हैं, मणिपुर पर बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री की तरीके से बात कीजिए, प्रचार मंत्री की तरीके से नहीं। पीएम लगातार अपनी सभी रैलियों को मुस्लिम लीग दिखाता है। इसके साथ ही उन्होंने और भी कई बातें कही, लेकिन उनका जो मुख्य बिंदु रहा, जो सभी रैलियों में वो लगातार बात कर रहे हैं, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साध रहे हैं मुस्लिम लीग। प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी और उनके सोचने वाले लोग हमेशा मुस्लिम लीग के साथ ही रहे हैं। इन्होंने सिंध में भी सरकार बनाई मुस्लिम लीग के साथ, बंगाल में भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के ही उप मुख्यमंत्री रहे, तो इसलिए इन्हें मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र को ज्यादा पढ़ा है। एक बार हमारे घोषणा पत्र को पढ़िए, उसमें रोजगार है, 30 लाख रोजगार की बात है, 1 साल में देंगे, जिसके की पीछे ऊपर आप बिल्कुल फन फैलाए बैठे हुए हैं। उसमें बात है युवाओं को 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप देने की, उसमें बात है महिलाओं को 1 लाख रुपए पर ईयर देने की, जरा पढ़कर के तो आइए। उसमें बात है किसानों को MSP की गारंटी देने की। आपने शायद अपने पुराने साथियों का साथ मिल करके और ओवैसी जी जैसे लोगों का साथ मिल करके किसी मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र पढ़ लिया होगा। अरविंद केजरीवाल के मामले में न्यायाधीश ने सभी सबूतों को देखने के बाद फैसला सुनाया, अदालत ने कहा है कि पैसे का पता चला। साथ ही ये बात कही कि अदालत ने कहा है कि गिरफ्तारी का उनकी कानूनी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में ईडी द्वारा उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी जिसके कारण उन्हें केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा। हम हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए अपनी असहमति व्यक्त करते हैं। हाईकोर्ट जो भी बात कहे वो अपनी जगह पर है, लेकिन ईडी पिछले 2 साल में कोई मनी ट्रेल नहीं लगा पाई। ईडी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पे चार्जशीट लगा रही है। ईडी एक्यूज्ड के बयानों के आधार पर गिरफ्तारी कर रही है। अगर ईडी को गिरफ्तार करना है सिर्फ एक्यूज्ड के बयान के आधार पर, तो क्या कल कोई बयान
जेपी नड्डा के खिलाफ दे देगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इन्होंने भी 55 करोड़ रुपए लिए हैं, तो क्या ईडी भारतीय जनता पार्टी से भी सम्मान करेगी या उनके क्या नाम इस नेता को भी गिरफ्तार करेगी? ये एक गंभीर प्रश्न है। सौरभ भारद्वाज ने इस पर ये बात कही, उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट जाना हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है। हमारी शुभकामनाएं आप पार्टी के साथ हैं, सौरभ भारद्वाज जी के साथ है, सुप्रीम कोर्ट जाएं। हमें पूरा भरोसा है कि संविधान न्याय करेगा और अरविंद केजरीवाल जी की जल्द रिहाई होगी।